फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, हमने पहला चैप्टर आपका समाप्त कर दिया था साइंस में, और आज चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो में हम ओनली इसका बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, ओनली जानेंगे पार्ट क्या है और पार्ट का नाम क्या है, बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले जानिए अम्ल क्या होता है ना, तभी तो चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं अम्ल क्या है। तो देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं, और एक काम करते हैं ये कि नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। देखिए, अगर आप अम्ल को, एक लिटमस पेपर होता है आपका, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये एक पेड़ से प्राप्त होता है लिटमस पेपर, ठीक है। अगर आप अम्ल को उसके पास ले जाएं, यानी कि अम्ल को उसमें डुबाए, तो उसका जो रंग होगा वो बदल जाएगा, यानी कि नीले से वो लाल में हो जाएगा, ठीक है। एक काम ये करते हैं, और जैसे एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो देखिए HCl होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर मैं कहूँ H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर होता है हमारा एक घरेलू नींबू, ठीक है। तो नींबू क्या है, एक हमारा अम्ल है, क्लियर है। देखिए, तो आपसे बेसिकली कोई पूछ ही ले कि अम्ल क्या होता है, और उसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड कहते हैं, ठीक है, एसिड। तो देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्लियर है। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं, जैसे कौन कौन से है, ये HCl, H2SO4, नींबू आदि, क्लियर है। तो ये हुई बेसिक परिभाषा, इसकी बेसिक बात कि अम्ल है क्या, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्षार क्या है। तो देखिए, हाँ सॉरी, अम्ल जो होते हैं दो तरह से होता है, एक होता है तनु अम्ल, एक होता है सांद्र अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो तनु अम्ल क्या होता है, देखिए, जिसमें अम्ल कम मात्रा और जल अधिक मात्रा में होता है, यानी कि जिसमें बेअम्ल, जिसमें अम्ल तो कम मात्रा में होगा लेकिन पानी अधिक होगा, तो क्या होगा, तनु अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तनु अम्ल। जैसे मैं बात करूं तो नींबू, देखिए इसमें पानी ज्यादा होता है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आता है क्षार अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा और जल कम मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। देखिए, जल तो कम होगा लेकिन हमारा अम्ल ज्यादा होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सांद्र अम्ल, क्लियर है। चलिए अब आता है हमारा क्षार, यानी कि बेस। तो क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। देखिए, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? नीले को लाल में बदल देते हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलिए, जैसे NaOH, KOH, साबुन आदि। NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साबुन हमारा घरेलू है। अपने साबुन यूज करते हैं, वो एक क्या है, वो एक क्षार है, यानी कि क्या है, वो क्षार है, ठीक है। देखिए, अगर आप लिटमस पेपर को उसके साबुन के ऊपर रख दें तो वो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी ओनली, बस कि अम्ल और क्षार क्या है। यहां से क्वेश्चन पूछता है तो वो अरहनियस के अनुसार पूछेगा, आपका सिलेबस में अरहनियस के अनुसार है इनकी परिभाषाएं अम्ल और क्षार की। देखिये, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग कहा है, लेकिन आपके सिलेबस में एक व्यक्ति है अरहनियस, ठीक है, उनके अनुसार हम अगले वीडियो में आपको अम्ल और क्षार पढ़ाएंगे। एक और आपको चैप्टर में दिखाई दे रहा होगा लवण, ये लवण क्या है। तो देखो, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक ठोस का निर्माण करते हैं। किसका? एक ठोस का निर्माण करते हैं। तो वो जो ठोस है उसी को हम बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं, ठीक है। तो लवण एक अलग टॉपिक है अपने आप में, और इसके कुछ भाग है, तो उसे मैं अलग डिसाइड करूंगा, अलग उसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले अम्ल और क्षार एक साथ पढ़ लिया हमें, इनको एक साथ ही कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम अगले टॉपिक पाएंगे लवण के, ठीक है। चैप्टर यही है, इसमें पूरे में यही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो पहले अम्ल को पढ़ेंगे, फिर क्षार को, और फिर उसके बाद लवण को, और उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए, आप बेसिक जान, अक्सर जो पूछेगा आपसे कोई भी कि अम्ल क्या है, तो आपको यही बताना है, ठीक है।
और जो पेपर के अनुसार है वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल क्या है तो आप यही लिखेंगे, लेकिन अगर वो बोलता है अनिहर्ट्ज के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा दीजिए तो आपको ये नहीं लिखनी होगी, जो हम लिखवाएंगे अनिहर्ट्ज के अनुसार वो लिखनी होगी। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से अपनी बेसिक क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो छोटा ही बनाया है क्योंकि बेसिक समझ लिया तो सारा समझ लिया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगले टॉपिक में मिलेंगे अम्ल और क्षार की परिभाषा को लेकर अनिहर्ट्ज के अनुसार। ठीक है, चलिए चलते हैं, जय हिंद।